मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव पूर्णिया के दौरे पर हैं। कभी पप्पू यादव पूर्णिया के ही सांसद थे, इसीलिए उनका इस इलाके से लगाव कायम है। वहीं पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और लालू यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। भारत सरकार ने जो फड़क्का के नए निर्माण के लिए और हाई डैम के मुद्दों पर जो एक कमेटी की घोषणा की है, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी की दोनों जगह सरकार है और अब विशेष राज्य के दर्जा की बात उन्हें बहुत ही गंभीरता के साथ रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही नेशनल हाईवे 7 का शिलान्यास करने वाले हैं। 24 तारीख को नए एनएच की घोषणा, 7 एनएच की का शिलान्यास गडकरी जी करेंगे मधेपुरा में, जिसमें नए एनएच में कुरसेला से रुपोली, भवानीपुर, धमदाह होते हुए, बढ़ाड़ा होते हुए, बिहारीगंज होते हुए, ग्वालपारा, पतरघट और सौर बाजार। वहीं पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और लालू यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के लिए वोट दिया था, ना कि परिवारवाद और गाली गलौच के लिए। नीतीश कुमार जी से सिर्फ एक आग्रह है और लालू यादव जी से, जनता ने आपको विकास के लिए वोट दिया था, ना कि परिवार और सत्ता के निर्माण के लिए। लालू यादव जी से मुझे उम्मीद है कि आप विपक्ष की भूमिका विकास के लिए निभाएं, सत्ता और परिवार और का मोह छोड़ें, गाली गलौज को त्यागे दोनों आदमी। सीमांचल और कोशी की राजनीति में पप्पू यादव एक कद्दावर चेहरा रहे हैं और लालू और नीतीश पर एक साथ ही हमला कर वे अपनी सियासत को मजबूत जमीन देने की कोशिश में जुटे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।